आपका पहला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? आपका ऑप्शन है ए मिस्र, बी नेपाल, सी क्यूबा, डी इटली। आपका सही जवाब होगा बी नेपाल, आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? आपका ऑप्शन है ए हिरन, बी भालू, सी जिराफ, डी जलहस्ती। आपका सही जवाब होगा सी जिराफ, आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात राज्य को, बी उत्तर प्रदेश राज्य को, सी बिहार राज्य को, डी उड़ीसा राज्य को। आपका सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश राज्य को, आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? आपका ऑप्शन है ए चार मीनार, बी झूलता मीनारा, सी शहीद मीनार, डी कुतुब मीनार। आपका सही जवाब होगा डी कुतुब मीनार, आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? आपका ऑप्शन है ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। आपका सही जवाब होगा बी तीसरा, आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छः, वह कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? आपका ऑप्शन है ए दरियाई घोड़ा, बी जलहस्ती, सी हिरन, डी भालू। आपका सही जवाब होगा ए दरियाई घोड़ा, आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब होगा डी गंगा, आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी बैंगलोर, सी जयपुर, डी सलेम। आपका सही जवाब होगा बी बैंगलोर, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है नौ, ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा वार्षिक मेला प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए सोनपुर मेला, बी कुंभ मेला, सी सूरजकुंड मेला, डी पुष्कर मेला। आपका सही जवाब होगा डी पुष्कर मेला, आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान, आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? डॉट्स। आपका ऑप्शन है
ए 7 रंग, बी 8 रंग, सी 12 रंग, डी 16 रंग। आपका सही जवाब होगा ए 7 रंग, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12। भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? आपका ऑप्शन है ए 8 राज्यों में, बी 7 राज्यों में, सी 2 राज्यों में, डी 5 राज्यों में। आपका सही जवाब होगा डी 5 राज्यों में, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 13। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपका ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा टेनिस से, बी सायना नेहवाल बैडमिंटन से, सी झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, डी जीव मिल्खा सिंह शतरंज से। आपका सही जवाब होगा डी जीव मिल्खा सिंह शतरंज से। आपका ये जोड़ा गलत होगा। आपका अगला सवाल है 14। किस देश को उगते हुए सूरज की धरती कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया को, बी ब्रिटेन को, सी चीन को, डी जापान को। आपका सही जवाब होगा डी जापान को। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 15। चमड़ी जाए पर दमरी न जाए मुहावरे का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए बहुत पंजूस होना, बी बहुत होशियार होना, सी बहुत मतलबी होना, डी बहुत दानी होना। आपका सही जवाब होगा ए बहुत पंजूस होना। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी कोशी, सी यमुना, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा बी कोशी। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 17। भारत का सबसे बड़ा बैंक है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब होगा ए भारतीय रिजर्व बैंक। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 18। घर का बहुवचन है? आपका ऑप्शन है ए घरे, बी घरों, सी घर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी घर। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 19। ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी कुवैत, सी सऊदी अरब, डी चीन। आपका सही जवाब होगा बी कुवैत। आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है श्री कृष्ण भगवान की प्रिय वस्तु क्या थी? आपका ऑप्शन है ए डमरू, बी बांसुरी, सी धनुष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।